very interesting because I had 16 pages of question. And this one book threw my question sets out of order because one of my questions somewhere in the middle segment was ki Ram aur Krishna mein aap kya samantaein aur kya vibhinnataein paate hain. As a mythology, as a person who is writing mythology in modern context, aur inki kitab ka shirshak hai Ramayan versus Mahabharat. माई प्लेफुल कंपेरिजन और उसमें एक पेज है जिसमें इन्होंने राम और कृष्ण को कंपेयर किया है तो सर मैं चाहूंगा कि वहीं से इस बात को शुरुआत करते हैं तो देखिए भारत को समझने के लिए और सनातन को समझने के लिए राम और कृष्ण को समझना बहुत अनिवार्य है यू हैव टू अंडरस्टैंड राम एंड कृष्ण राम एक राज घराने के बड़े बेटे हैं श्री कृष्ण ग्वालों के घर में छोटे बेटे हैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम है फॉलोज द रूल्स एक लीला पुरुषोत्तम है रूल्स के इधर उधर खेलते रहते हैं एक का चेहरा हमेशा सीरियस रहता है शांत रहता है दूसरा हमेशा हंसता रहता है हसमुख होता है एक एकम पत्नी व्रताराम दूसरा अष्ट भार्या और गोपिकाओं के साथ रासलीला करने वाले कृष्ण और दोनों को इतने अलग हैं एक त्रेता युग में है एक द्वापर युग में है एक उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं एक पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो मथुरा से द्वारका की तरफ जा रहे हैं तो इतने डिफरेंस हैं लेकिन दोनों को हम विष्णु के अवतार मानते हैं तो दोनों को हम वी डोंट कंसिडर देम एज टू डिफरेंट कैरेक्टर्स वी कंसिडर देम एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम डिवाइन तो इतने अलग अलग लोगों को कि दोनों को लाइक व्हेनेवर आई टेल पीपल कि राम और कृष्ण में फर्क क्या है एंड इंडियंस विल ऑलवेज से दैट नहीं दोनों तो एक ही हैं दोनों विष्णु भगवान के अवतार हैं सो सेम सेम और डिफरेंट जो इंडिया में फेमस होता है ना इज इट सेम और डिफरेंट इट्स सेम एंड डिफरेंट एंड दैट इज वॉट इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया जो लोग दुनिया भर में समझ नहीं पाते हैं अगर आप पिक्चर दिखाओ राम कृष्ण की और लोगों को दुनिया में बोलो ये दो है या एक है So everywhere in the world they'll say there are two. And Indians will say no, they are one. But they are also two. That is why Indians confuse so everybody. Do you think their characterization of Vishnu in these two aspects is more to do with the time of the society that they are referring to? Could it be that? Dekhye, one of the most important concepts in Indian thought, which is very unique to Indian thought is Har cheez desh, kaal aur gun se badalta hai. So with geography, with history and the personality of people, everything will change. Nothing will be static. So everything has to change. So Ram and Krishna belong to two different contexts. If you are the eldest son in the royal family, you cannot behave like the youngest son in a cowherd family. Aapka role hi alag hai. Aapka daitya alag hai. Aapka situation alag hai. So you are हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है देश काल और गुण के देख के ही रीति और नीति बदलती रहती है सो वी हैव ऑलवेज बीन अ सोसाइटी विच डजंट बिलीव कि एक ही रूल हमेशा रहेगा सो जब युग बदलता है तो भगवान भी अवतार बदलते रहते हैं कि आई हैव टू कीप अडेप्टिंग टू टाइम इट्स नेवर स्टैटिक तो कभी राम बनना पड़ता है कभी परशुराम बनना पड़ता है कभी कृष्ण बनना पड़ता है कभी वामन बनना पड़ता है सो यू आर कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर रहे हो समय के साथ और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलॉसफी जो लोग वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू व्हेन पीपल से कि राम कब बनना चाहिए आई सेड रामायण में राम बनना चाहिए भागवत में कृष्ण बनना चाहिए भागवत में राम नहीं हो सकते रासलीला नहीं करेंगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट And in the same context, and I think I read one page in this book, which talks about the comparisons of the way Ramayana and Mahabharata as epics have been organized, the timelines of the two, as when they were written, and how, you know, the Vedas and the Purans capture them. There's a very serious aspect of similarities, yet differences, right? Be nice if you know being the latest and the freshest thought in your mind if you can share with us you know what inspired this thank you you know I've been writing for 20 years and I wrote Jaya which is the Mahabharat then I wrote Sita which is the retelling of the Ramayana fir bachchon ke liye maine likha Girl Who Chose which is Ramayana Boys Who Fought which is Mahabharat
तो रामायण महाभारत पढ़ते पढ़ते आई सडनली रियलाइज एंड समथिंग देन आई स्टार्टेड रीडिंग अदर स्कॉलर्स कि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है. वी कंसिडर देम. लोग कहते हैं रामायण कितना बोरिंग आइडियलिस्टिक होता है, महाभारत इज सो एक्साइटिंग एंड रियलिस्टिक. बट अगर आप स्टोरी टेलिंग के पॉइंट से जाए तो दे आर एग्जैक्टली द सेम स्टोरी टोल्ड डिफरेंटली. तो पहला जो अध्याय होगा जो बालकांड है रामायण का और आदि पर्व है महाभारत का, दोनों फैमिली का बैकग्राउंड बताते हैं कि ये फैमिली ऐसा था, रघुकुल ऐसा था, कुरुकुल ऐसा था. फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में क्राइसिस शुरू होता है. तो रामायण में कैकेयी आ जाती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को राजा बनाओ, और महाभारत में सभा पर्व आता है जहां पे जुआ खेला जाता है. तो सेकेंड चैप्टर में क्राइसिस ऑफ किंगशिप कि राजा बनते बनते हाथ से छूट जाता है. तो और इसलिए तीसरा चैप्टर आता है वनवास. तीनों में वनवास आता है. तो एक दो वन में जाते हैं और वन में गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ दे डीलिंग, और बहुत कुछ हो रहा है, ऋषियों के साथ बात कर रहे हैं. दोनों में वनवास है, एक में 14 साल का, एक में 13 साल का. दोनों जगह पे उसके बाद वनवास के बाद, वनवास में हमेशा एक नए प्रकार के लोगों को मिलते हैं. जैसे रामायण में वो वानर को मिलते हैं किष्किंधा में, महाभारत में वो विराट पर्व में वो नौकर बनते हैं. तो पहली बार राजा को नौकर बनना पड़ता है. ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आता है. उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है. रामायण में भी युद्ध होता है, महाभारत में भी युद्ध होता है. युद्ध के पश्चात आपको दोनों में राजसूय यज्ञ होगा. राम राजा बनते हैं, यहां पे युधिष्ठिर राजा बनता है. उसके बाद अश्वमेध यज्ञ दोनों में होगा, और अश्वमेध यज्ञ में बाप बेटे की लड़ाई होगी. तो लव और कुश की लड़ाई राम के साथ होती है, और यहां बब्रुवाहन की लड़ाई अर्जुन के साथ होती है. तो जब अब और दोनों कहानियों में ट्विस्ट है, हैप्पी एंडिंग नहीं होता है. रामायण में सीता को वनवास, और महाभारत में कौरव को आप स्वर्ग में देखते हैं. तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये एक कहानी है या ये यू नो एक ही स्क्रीन प्ले राइटर ने दो कहानी लिखी है. यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीमिक्स. रीमिक्स. और यू नो सडनली रियलाइज महाकाव्य का मतलब क्या है. महाकाव्य में वो इतनी ब्यूटिफुल तरीके से बनाया गया है, हमको लग रहा है कि दो दो कहानी है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है और जो ढांचा दिखाया गया है वो एक जैसा है. So, हम मुझे नहीं पता ऑडियंस क्या महसूस करती है. मैं जब आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ और आपके विचार देखता हूँ, सो व्हेन वी लुक एट माइथोलॉजी वी सी द परसेप्शन ऑफ माइथोलॉजी एज इट्स रेलेवेंस इन एवोल्यूशन ऑफ आर कल्चर द सोसाइटी द गवर्नमेंट फॉर्म्स द एवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल इन इटसेल्फ. और जब हम उसको कल्चर की दृष्टि से ना देख के रिलीजन की दृष्टि से देखते हैं तो एक रिलीजियस शिफ्ट आ जाता है. सो आई थिंक योर राइटिंग बेसिकली इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल दिस माइथोलॉजी द वैल्यू इन द रेलेवेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ. इज दैट योर टेक और इज इट मोर बिकॉज देयर इज नो रिलीजियस एस्पेक्ट टू इट एज आई सी इट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. So see, mythology is a word that people don't understand. वो अभी भी they are using 19th century definition. So 19th century में शायद हम वो एक formal सवाल भी कर सकते हैं कि myth और mythya. इसका भी एक अंतर आप बता सकते हैं जो आप जिस तरह से दर्शाना चाहते हैं. So देखिए, see what we have to understand the 19वीं शताब्दी में अभी भी जब ये लोग myth views करते हैं शब्द, they are using a 19th century definition. और उस समय साम्राज्य की दुनिया थी, you know, Victoria, British. और उनका था ये, हम जो बोलेंगे सच है, बाकी लोग बोलेंगे वो झूठ है. तो अभी भी हिंदी में अगर हम मिथ्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारा मन में मिथ्या का मतलब झूठ है. मिथ इज फॉल्स, ये सिनोनिम बना दिया है फिक्शन. आपने इनॉग्रल सेशन मिस किया, वो मिथ्या हमने अश्विन सांगी जी और रस्किन बॉन्ड साहब के लिए छोड़ दिया. दोनों ने क्लेम किया कि वो सबसे बड़े हैं इसमें, इस विधा में सबसे बड़े वही है. तो अभी 21वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी की दुनिया है, डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट मोनार्की. एक सच नहीं होता है, अलग लोगों का सच होता है. तो नाउ डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट. फैक्ट इज, सो आई डिफाइन लाइक द सिंपल डेफिनेशन, फैक्ट इज एवरीबडीज ट्रूथ, फिक्शन इज नोबडीज ट्रूथ, मिथ इज समबडीज ट्रूथ. किसी का तो सच है. अभी उसको सच है, वो भगवान को विश्वास करता है, तुम्हें तकलीफ क्या, तो विवाद क्यों कर रहे हो, संवाद करो. उसे पत्थर में भगवान दिखाई दे रहा है, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है. ये हमारी इच्छा क्यों है कि सब हमारे जैसे सोचे. सो मिथोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, मनुष्यता का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य दुनिया को अलग अलग तरीके से देखता है.
किसी को भगवान में विश्वास है, किसी को भगवान में विश्वास नहीं है, किसी को कम्युनिज्म में विश्वास है, किसी को कैपिटलिज्म में विश्वास है, किसी को सौंदर्य में विश्वास है, किसी को यू नो न्याय, न्याय जस्टिस, लेट्स लुक एट जस्टिस, इज जस्टिस फैक्ट और फिक्शन? सो एक जजमेंट, ये जो आप न्याय बोलते हैं हम लोग, ये सच है या झूठ है, ये कॉन्सेप्ट? या समानवाद, इक्वालिटी, इज इट फैक्ट और फिक्शन? घूम फिर के आएगा किसी का सच, मिथ, बिकॉज वो विश्वास की बात है। जैसे हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हम न्याय पे विश्वास करते हैं, समानवाद में विश्वास करते हैं, ये विश्वास की बात है। इसको मैथमेटिक्स से प्रूव नहीं कर सकते कि समानवाद है, न्याय है। सो आर सोसाइटी, जो मनुष्य एट नॉट जस्ट इंडिया, लोग हमेशा इंडियन मिथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा देखिए, अमेरिका में भी मिथोलॉजी है, अफ्रीका में, यूरोप में, पशु और पुरुष में फर्क है कि हर पुरुष में, हर मनुष्य में एक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण ही मिथ्या है जी। क्योंकि मिथ्या का मतलब है खंडित सत्य, इट्स अ पार्शियल ट्रूथ, बिकॉज आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, हम दोनों को पूरा सच नहीं पता है, अनंत सच क्या है। तो सत्य शब्द व्हेन इट्स यूज्ड, और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण भी समय के साथ बदलता है, तो वो भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो जो शाश्वत होता है, जो इटर्नल होता है, जो अनंत होता है, उसे हम सत्य कहते हैं, और बाकी सब मिथ्या। तो हम मिथ्या इसलिए शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, कि हम सब जगत के जितने वासी हैं, दुनिया में जितने, सबको कुछ सच पता है। यू नो, इन रिसेंटली आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन ब्राह्मण ग्रंथ, तो तैतृय ब्राह्मण में एक कहानी बहुत सुंदर है, एंड इट्स नाउ बिकम माय फेवरेट स्टोरी, कि एक ऋषि होते हैं जो तीन बार जन्म लेते हैं वेदों को पढ़ने के लिए। तो पहली बार वो ऋग्वेद पढ़ते हैं, दूसरे बार वो यजुर्वेद पढ़ते हैं, तीसरे बार वो सामवेद पढ़ते हैं। तो इंद्र आके उनको कहते हैं, भरद्वाज ऋषि से, कि अभी तुमने इतना अच्छा काम किया, अभी क्या चाहिए वरदान? मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि मुझे एक चौथी बार जीना है ताकि मैं अथर्ववेद भी पढ़ सकूं। तो इंद्र हंस पड़ते हैं और बोलते, वो पहाड़ देखा है? वो पहाड़, वो पूरे पहाड़ में जितना भी डर्ट है, जितना भी मड है, जितनी भी मिट्टी है, वो पूरा वेद है। फिर वो एक मुट्ठी उठाते हैं और कहते हैं, ये है तुम्हारा ऋग्वेद। फिर दूसरा मुट्ठी उठाते हैं, ये है तुम्हारा सामवेद। तीसरा मुट्ठी, ये है आपका यजुर्वेद। चौथी दुनिया में तुम चौथी मुट्ठी लेके आओगे। ये मनुष्य के लिए काफी है, लेकिन वेद अनंत है, तुम कभी पूरा वेद का ज्ञान नहीं पाओगे। अभी कॉन्सेप्चुअली देखिए, ये नम्रता की कहानी है, ये नम्रता की कहानी है कि तुम्हें जितना भी पढ़ोगे, जितना भी यू नो एक्सपीरियंस होगा जिंदगी में, एक्सपर्टीज होगा जिंदगी में, पूरा वेद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमेशा मिथ्या में रहेंगे। वी विल ऑलवेज हैव लिमिटेड ट्रूथ, वी विल नेवर हैव एक्सेस टू लिमिटलेस ट्रूथ। एंड आई थिंक दैट इज ए फंडामेंटल इंडियन फिलोसफी, एक नम्रता कि तब जितने भी पढ़े लिखे हो, अनंत का ज्ञान नहीं होगा आपके पास। So in the beginning you said ki Ram and Krishna, they're two different yet the same, right? So even with humans, we have different aspects depending upon the situation we're in, right? So we're good when the situation permits us to be good, and bad when the situation is demanding us to be bad. So what are your views on that? So it depends on who are you concerned about. If you're only concerned about yourself, then you're neither Ram nor Krishna. If you're concerned about other people, then you are perhaps in the path of Ram and Krishna. So you have to ask yourself, when you're good and bad, for whom are you good and bad? For your own pleasure or for the pleasure of other people? And that's a conversation that you have to have by yourself. Sir, आपने राम कृष्ण की समानता बताई, साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब थी राम कृष्ण और शिव और रामायण मेला, क्या आप उसे कंपेयर करना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ये किताब के बारे में, मुझे बहुत रिसेंटली किसी ने भेजा है कॉपी ऑफ दिस किताब, बट इट्स वेरी सैड कि राम मनोहर लोहिया ने डिड नॉट एक भी स्त्री के बारे में नहीं बताया। हम हमेशा राम कृष्ण शिव के बारे में बताते हैं, लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती के बारे में भी बताना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर ऑल रिप्रेजेंटेशंस आर थ्रू मेन। मैं बहुत डरता हूँ ऐसे समाज से जहाँ पे स्त्री को पूरा इनविजिबलाइज, अदृश्य बनाया जा रहा है। नहीं, आप, मुझे पता है आप क्या बताना चाहते हैं, लेकिन टाइटल में नाम नहीं है। ये आप जो माइथोलॉजी का जो आधार रखते हैं, इन दोनों को आप नीति ग्रंथ मानते हैं या धर्म ग्रंथ मानते हैं?
मूल बात पहले बतलाइए। ये मीमांसा है, इट इज एन इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन कंडीशन। सत्य पर आधारित है या कल्पना पर? सत्य और कल्पना में कोई फर्क नहीं है। अभी जैसे कि हनुमान जी के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है जी, अभी हनुमान जी के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है जी, तो आपके हिसाब से उनका ओरिजिन के आप प्रकाश डालें सर। देखिए आपको डिसाइड करना है कि आपको एक आपको एक पॉलिटिशियन का सच को सच मानना है या पंडित के सच को सच मानना है। आजकल पॉलिटिशियन का सच को ही सच मानते हैं।